देखो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हनी बनी, हाय हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो चलो। सो गाइस गुड मॉर्निंग, बर्थडे बॉयज रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। अरे हैप्पी, चलो 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 चलो, टेक इट बैक टेक इट बैक। ये रहे बच्चों के रिटर्न गिफ्ट, सॉरी हाँ जो भी गुडी बैग्स एंड टीचर्स के केक, टीचर्स एंड वॉचमैन अंकल। चलो वॉचमैन अंकल उसे टू गिव केक। ओके चलो चलो। तो गाइस हनी बनी चले गए हैं स्कूल एंड कितने ज़्यादा खुश हैं आप लोगों ने देखा। तो बस यहाँ पे मैं अभी खीर बना लूँगी भोग के लिए, एवरी बर्थडे उनके जीत के बर्थडे पे एंड उनके बर्थडे पे मैं डेफिनेटली खीर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल क्रीम मिल्क लिया है ताकि इसका मैं छेना खीर बनाऊँगी, तो छेना जो है वो अच्छे निकल कर आएगा एंड दूध भी बहुत अच्छे से गाढ़ा होगा। थोड़ा सा मैंने केसर एंड इलायची भी कूट के ऐड कर दिया है दूध में। तो एक एक लीटर मैंने लिया है, एक का मैं छेना बनाऊंगी, जिसमें छेना बनाया उसमें मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल के ये जो दूध को कडल कर लिया है, तो छेना बन के रेडी है यहाँ पे, उसको अच्छे से छान लेंगे। बाकी जो दूसरा वाला दूध था उसमें भी बॉयल आ गया है, तो छेना छान के उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। छेना को अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें हमने विनेगर ऐड किया है तो खट्टापन रहता है इसमें, तो उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। देन जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, बाकी जो दूसरा एक लीटर दूध है उसमें हम लोग ये छेना जो है वो ऐड कर देंगे और उसको करीब 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा अच्छे से, देन इसमें हम लोग मीठा ऐड कर देंगे। आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा है, क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो बस अभी इसको दूध को छोड़ देंगे बिल्कुल गाढ़ा होने तक, करीब 45 मिनट से एक घंटा तक मैंने उसको अच्छे से धीमी आँच में उसको अच्छे से छोड़ दिया था गाढ़ा होने तक। बाकी उसके बाद आप लोग ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पिस्ता जो है वो थोड़ा सा कूट के ऐड किया है एंड और पिस्ता ऐड करने के बाद और बस 10-12 मिनट मैंने उसको कुक कर लिया एंड हमारा खीर जो है बन के रेडी है भोग के लिए। इतना ही मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी क्योंकि ये गाढ़ा होने के बाद और भी ज़्यादा, मतलब ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कंसिस्टेंसी जो है इतना ही रखा है। तो चलिए अभी भोग लगा लेते हैं। स्कूल से पिक कर लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं बलून में, हीलियम गैस जो है वो भरवाना है आज शाम के लिए डिनर के लिए। वहाँ पे दो मतलब हीलियम वाला वो बलून जो है वो रखेंगे, साथ ही साथ जो हमारे बिल्डिंग में वॉचमैन है एंड क्लीनर्स है तो उनके लिए बिरयानी जो है वो हम लोग हनी बनी के हाथों से देंगे, तो उनके लिए वही पैक करने जा रहे हैं। एंड हनी गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप? बहुत खुश हनी बनी, तो मतलब सुपर डुपर एक्साइटेड, मतलब बर्थडे का क्रेज इतना रहता है क्या बताऊं। शायद सही बताऊं तो उनसे ज्यादा हमें रहता है। देखो ए देखो सर, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू, नो नाइसली विद फोल्डेड हैंड्स, थैंक यू बिकॉज एवरीवन विश्ड यू, सो थैंक यू। चलिए गाइस फटाफट काम निपटाते हैं, फिर घर जाके उनको नहला के खिला के थोड़ा सा सुला देंगे ताकि शाम को वो फ्रेश होंगे।
बलून शॉप वैसे यहाँ पे इनका रेडी हो गया है। ये है ना, इसका नाम है पार्टी सेंटर। ये बहुत बड़ा है एंड इसमें सारे आपको पार्टी का सामान सब कुछ मिल जाएगा। आप ये देखिए, हाँ ठीक है। तो दो बंच हमने बनाए, एक में मतलब दो सेम ही है, बस एक में एच है हनी और एक में है बी बनी। यस एंड ये दो मतलब बलून्स हम लोग खरीद के लाए थे, बस ये गैस भराने के लिए अराउंड 100 ड्रम्स लगे। Thank you, great uncle. And give it to yeah, Ravi uncle. Also. Ravi uncle also. Acha, do nama there, do nama. Nama, touch nama. Feet and do nama. Do nama, ha ha. Do nama. God bless you. Okay, very nice. Chalo, we'll do. Nama, papa, papa. Birthday, birthday, there. Come here and do nama, papa. Birthday nama do. Hello. Ha, hey, idhar. Hold it and say. Hold it like this, like that. Say. Jai Bajrangbali. Jai Bajrangbali. So guys, Honey Bunny ready हो गए उनके birthday dinner के लिए. पढ़ दो. And same chain, same pendant इन्होंने पहना है. चलो. अरे हमें बहुत देर से बोली थी, इसको दिखाया नहीं था, इसको दिखा दो। मेरा तीन घंटे मिलके इसने सजाया। अरे आगे तो क्या है, आपको कोई धक्के कर नहीं गया। एंड ये रही माया, कम माया सोच रही कि मैं भी अभी जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊं। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया आ रहे, तो फोटो ले लो तुम तीनों का। अभी रुको, एक ने जूते नहीं पहने, देखो पता चल रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, एक छोटा सा बस डिनर रखा है हमारे क्लोज फ्रेंड्स के बीच में, बस 20-22 लोग होंगे ऐसे ही, तो बस जा रहे हैं अभी वहीं पे। हनी बनी का केक कटिंग कर लेंगे और हम लोग डिनर करके आ जाएंगे साथ में। यहाँ पे थोड़ा बहुत लास्ट मोमेंट डेकोरेशन चल रहा है, बस सिंपल सा हैप्पी बर्थडे एंड ये दो जो बलून हम लोग लेके आए थे वही रख दिया है। केक टेबल हम लोग घर से लेके आए, क्योंकि ये जो टेबल दे रहे थे ना वो हनी बनी के लिए हाइट के लिए मतलब बड़ा हो रहा था, लंबा हो रहा था, काफ़ी ऊंचा हो रहा था सॉरी। एंड ये वाला एक टेबल, वो वाला एक टेबल सेट उधर, एंड ये वाला हमने बुक किया है। बाकी जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट चलता है वैसे ही है, बारबेक्यू टाइप मतलब वो है जो ग्रिल वगैरह ना, वो टेबल पे सर्व करेंगे। बाकी बुफे लगाए उधर, मेन कोर्स का बुफे लगाए, डेजर्ट का उधर बुफे लगाए एंड इधर बारबेक्यू स्टार्टर जो है वो देंगे। जा सानू जान वाली है तेनू हो
तो मेरा
ये देखो गाइस बर्थडे के बाद सफाई चल रही है इधर, बच्चे अपने बर्थडे बॉय सफाई सुनो सफाई मतलब बिछड़ने का मन ही नहीं है मायरा और हनी बनी का, है ना। ये संग्रह में चले गए किधर जाएंगे फिर, गाड़ी घर की टाइम भी तो हमारे पास। चलो चलो मामा बस पर। नहीं नहीं मैं तो जा रही हूँ उस गाड़ी में, ये दो मामू माई, मामू माई। ओके बाय होम। सो गाइस आ गए हैं घर वापस, बट पार्टी अभी बाकी है। कल का दिन बड़ा आतंक वाला होने वाला है क्योंकि कल बच्चों का पार्टी है, तो सारे बच्चे आएंगे घर पे, प्लस प्ले जोन जाएंगे खेलने के लिए, घर पे बच्चे आएंगे, केक कटिंग वगैरह होगा। तो फिलहाल हम लोग रेस्ट करते हैं, 12:30 हो गए एंड सिम्बा बेबो का बर्थडे हो गया है। तो कल सिम्बा बेबो भी केक काटेंगे, हनी बनी भी केक काटेंगे, बच्चे भी आएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव सब लव। संग्राम मैं जो टी शर्ट एक लेके आया था उसमें से एक पहना, क्योंकि पूरा शर्ट में केक, पूरा ब्लू पोकेमोन केक डाल दिया। नहीं इट्स ओके, डू योर वेट पैंट, उसको वो छुप गया इसको देखो, ये इसको देखो, ए चेन इज नॉट फॉर प्लेइंग, उसको पहना उसको पहना उसको पहना। ये मैडम जी चले बाय बाय, हैप्पी बर्थडे बेबू, हैप्पी बर्थडे बेबू को 1 ईयर कंप्लीट। ए ह्यूमन एज